चलते हैं सीधे बरख दत्ता के दरबार में एलएनएन के लिए। आइए, नमस्कार, मैं हूं बरख दत्ता, यह है लेट नाइट न्यूज और आप जो कोई भी हो मुझे देख रहे हैं। आज की सबसे चौंका देने वाली खबर, बिग बॉस ने मांगा भारत रत्न। जी हां, सही सुना आपने, बिग बॉस ने कहा कि वो सबसे ज्यादा भारत रत्न डिजर्व करते हैं। आइए बात करते हैं बिग बॉस से जो इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। दिखते तो वो वैसे भी नहीं हैं, इसलिए वो सिर्फ लाइन पर रह सकते हैं। कैसे हैं बिग बॉस? बिग बॉस चाहते हैं कि आप सही तरीके से बिहेव करें। हाँ, ठीक है ठीक है। अच्छा, ये सब तो मतलब चलता रहेगा, लेकिन ये बताओ तुम्हें भारत रत्न क्यों चाहिए? तुम नहीं, आप बोलो। रेस्पेक्ट है अपनी मार्केट में। भारत रत्न के लिए बहुत सारे रीजन है। जैसे कि फर्स्ट तो ये है कि लोग मेरी बात सुनते हैं, मैं पॉलिटिक्स में भी आ सकता हूँ। दूसरा रीजन ये है कि मैंने पिछले 6 सालों में इंडियन गवर्नमेंट से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट की है। अपने अपने फील्ड से फ्लॉप हर बंदे को काम दिया है, खाना दिया है, रहने के लिए छत दी है। और मेन रीज़न ये है कि मेरी वजह से फैमिली यूनाइट होती है। वो कैसे? लड़ाई झगड़ा देखना किसे अच्छा नहीं लगता, और मेरे घर के झगड़े देख देख कर पति पत्नी इतने थक जाते हैं कि खुद झगड़ा नहीं कर पाते। अच्छा, तो बस यही रीजन है? लोग सचिन को भारत रत्न देने की भी बात कर रहे हैं क्योंकि उसने 20 साल तक हर एक्सपेक्टेशंस पूरी की। वो तो मैंने भी की। लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं बिग बॉस से? मुझे क्या पता क्या एक्सपेक्ट करते हैं। मैंने टीवी बेच के सेकेंड हैंड टाटा नैनो ले ली थी पिछले सर्दी में जलाने के। लोग बिग बॉस से एक्सपेक्ट करते हैं चूतियापा। सचिन 0 पे आउट हो जाए लेकिन हम चूतियापा जरूर डिलीवर करते हैं आपके लिविंग रूम में, नाइट आफ्टर नाइट। बरख, तुम भी कुछ करो ना। सनी लियोनी के कुछ मस्त वीडियो है हमारे पास लास्ट सीजन से। सनी लियोनी के पास बचा क्या दिखाने को? वैसे अब तुम यहाँ से निकलो, चैनल वाले ढूंढ रहे होंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी बात करना प्लीज। अब तुम्हारा शो टॉप 4 न्यूज एंड करंट अफेयर्स शो में नॉमिनेट हुआ है। तुम्हारी पहुंच है बॉस, मुझे तो भेंचोद नॉमिनेशन तक नहीं। अबे जब टीवी अवार्ड शो में नॉमिनेशन नहीं मिला तो साला भारत रत्न क्या घंटा मिलेगा? चल भाग यहां से। हाँ, तो ये थे बिग बॉस खबरें, अभी और भी हैं, लेकिन मैं कोई नारद मुनि नहीं जो फालतू फालतू खबर फैलाता रहूं। नारद मुनि? थैंक यू बरख। अभी सुमी चाहते हैं कि आप लोग एक ब्रेक लें।